पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सभों को जय यीशु। आठवां दिन, माता मरियम का विनम्रता। माता मरियम यीशु की सबसे प्रशंसनीय माता है, जो हम सभी के लिए एक आदर्श है। माता मरियम का जीवन हम सभी के लिए नम्रता का एक प्रेषक उदाहरण है। माता मरियम नम्रता की प्रतिमूर्ति है। वह सभी कार्यों को समझने के लिए किसी भी अन्य सृजित व्यक्ति की तुलना में अधिक सक्षम है। उसने हाँ कहकर ईश्वर की इच्छा को चुना। यीशु की माँ हम सभी के लिए अच्छा उदाहरण है। उसके गुणों का अनुकरण करना है। माता मरियम की नम्रता का अनुकरण करने से हमें ईश्वर के सामने अपनी दीनता को स्वीकार करने में मदद मिलती है। उसकी विनम्रता, जो ईश्वर में विश्वास की, वह खुद को ईश्वर के नीचे दासी के रूप में समर्पित किया, जिससे वह अपनी शक्तिहीनता और ईश्वर पर निर्भरता को अपने प्रभुत्व स्वामी के रूप में स्वीकार किया। अपने गीत मेरी आत्मा गा रही है से वह न केवल उस पर दिखाए गए एहसासों के लिए प्रशंसा और धन्यवाद की, बल्कि लोगों पर भी ईश्वर की दया के प्रति प्रोत्साहित की। माता मरियम की नम्रता पड़ोसी के प्रेम को प्रोत्साहित करती है। वह पहाड़ी यहूदी शहर में अपने रिश्तेदार एलिजाबेथ, जो बुढ़ापे में गर्भवती थी, परंतु अपनी हालत के बावजूद उसकी सेवा करने और उसकी सहायता करने के लिए चली गई। माता मरियम की नम्रता का अनुकरण करने में हमें अपने अभिमान को जीतने में मदद मिलती है। जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम से कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र जनेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, वह महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, और मरियम ने कहा, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। माता मरियम नम्रता के कारण अपने हृदय में परमेश्वर के सभी वचनों और कार्यों पर विचार करती थी। इस प्रकार हम माता मरियम के विनम्रता का जीवन देखते हैं। निवेदन। आज हम नशापान जैसे बुरी आदतों में फंसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो नशा के कारण परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रभु ईश्वर, आप इन पर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए कि वे अपनी बुरी आदतों को छोड़ सके और परिवार में शांति ला सके। नोवेना प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, आपने कुंवारी मरियम को अपने पुत्र यीशु मसीह के योग्य मां बनने के लिए तैयार किया। आपने उसे प्रारंभ से ही मानव जाति के उद्धार कार्य में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्रदान किया, जो मसीह के मृत्यु द्वारा पूरे संसार को सब पापों से बचा लिया। उसी प्रकार आप हमें भी निष्कलंक मां के संरक्षण के द्वारा पवित्रता के साथ अपने पास आने की अनुमति दे। आज हम पवित्र त्रित ईश्वर की स्तुति तथा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सभी नारियों में से चुनकर हमारे लिए माता के रूप में अनुग्रह के साथ प्रदान किया है। हे निष्कलंक मां मरियम, यीशु की मां, स्वर्गदूतों और संतों की रानी, हम आपको पूरे भक्ति के साथ नमन करते हैं। हे दया की माता, आपके आनंदमय निष्कलंक गर्भागमन द्वारा हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और यीशु मसीह के उपस्थिति में पाप रहित जीवन जीने में हमारी सहायता कर और उनके प्रति सदैव वफादार रहने हेतु अपने बेटे यीशु से हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर। आमीन। Oh.